में 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। मामले को लेकर अब तक करीबन 2 दर्जन FIR दर्ज किए गए हैं। वहीं 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा दिल्ली पुलिस की सबसे अधिक नजर लाल किले पर झंडा फहराने वाली घटना पर है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल की कई टीमें लाल किले में झंडा फहराने वाले की तलाश में है। लाल किले पर जिसने झंडा लगाया उस युवक की पहचान कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दीप सिंधु और लखा सिधाना की तलाश तेज कर दी है। कई टीमें लाल किले के तमाम फुटेज खंगाल रही हैं। लाल किले में हुए उपद्रव के मामले में कोतवाली थाने की FIR में दीप सिंधु और लखा सिधाना का नाम है। दीप सिंधु को किसान संगठनों ने RSS का एजेंट भी बताया था। वहीं आपको बता दें कि लाल किले पर जिसने झंडा लगाया उस युवक की पहचान गुजराज सिंह 22 वर्षीय के रूप में हुई है। वह तरन तारण के गाँव तारा सिंह का रहने वाला है। राज सिंह के पिता और दादा खुद को गौरव महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे ने बहादुरी दिखाई है और वह इससे खासे खुश है। परिवार की वीडियो भी बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें युवक के पिता और दादा खुशी जता रहे हैं। अंडरग्राउंड हो गया है दीपू सिंधु लाला